नमस्कार, वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। केंद्र में मोदी सरकार इन दिनों अच्छे दिन वाले जुमले की वजह से कड़ी आलोचनाओं का शिकार हो रही है। बीजेपी नेता और प्रधानमंत्री मोदी अच्छे दिन आने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में आम लोगों के अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों के अच्छे दिन जरूर। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले मोदी सरकार के मंत्री और सांसदों का एक साल में होटलों का बिल 25 करोड़ रुपए आया है। आज हम वंदे मातरम में इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ मोहम्मद इरफान अहमद है, नेता बीजेपी, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, विवेक यादव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और प्रवक्ता SP यानी कि समाजवादी पार्टी KC जैन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सभी मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे रेसिडेंट एडिटर हमारे चैनल के मुकेश कुमार जी, उनसे भी हम हर एक पहलू को समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले मोदी सरकार के मंत्रियों और सांसदों ने पिछले एक साल में ही 25 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए, जो कि यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल से कई ज्यादा है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में मंत्रियों और सांसदों ने 5-स्टार होटल्स के बिल पर 10 साल में 19 करोड़ 77 लाख खर्च किए थे। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। जनता के पैसों पर सांसदों के ठाट। एक साल से रह रहे थे 5-स्टार होटल में, एक साल में खर्च हो चुके हैं 25 करोड़ रुपए। सांसदों को नहीं मिल पाए सरकारी आवास। पिछली सरकार ने 10 साल में किए थे 19.77 करोड़ खर्च। दिल्ली के 5-स्टार होटल अशोका और होटल सम्राट में टिके हुए थे सांसद। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली मोदी सरकार के सांसद पिछले एक साल से 5-स्टार होटलों में ऐश कर रहे हैं। सरकारी आवास नहीं मिलने की आड़ में ये सांसद दिल्ली के 5-स्टार होटल जैसे होटल सम्राट और अशोका में डेरा जमाए हुए हैं। होटल में एक दिन रहने के लिए सांसद 7,000 रुपए चुका रहे हैं, जिसमें खाने का खर्चा शामिल नहीं है। ये पैसा जनता की गाड़ी कमाई का है, जो इन सांसदों के ठाट में खर्च हो रहे हैं। जहां एक ओर यूपीए सरकार के कार्यकाल में मंत्री और सांसदों ने 5-स्टार होटल के बिल पर 10 साल में 19.77 करोड़ रुपए खर्च किए, वहीं सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली मोदी सरकार के मंत्रियों और सांसदों ने पिछले एक साल में ही इन पर 25 करोड़ खर्च कर दिए। हालांकि इस पूरे मामले पर हाउस कमेटी के चेयरमैन अर्जुन मेघवाल ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा, वर्तमान लोकसभा में पहली बार 330 सांसद ऐसे हैं जिनका दिल्ली में कोई आवास नहीं है। साथ ही इस बार ऐसे सांसदों की संख्या भी काफी ज्यादा है जो पहली बार संसद पहुंचे हैं। ऐसे में होटल्स के बिल का बढ़ना स्वाभाविक है। बीजेपी सरकार ने हालांकि पहले ही 5-स्टार होटल्स में कॉन्फ्रेंस और फर्स्ट क्लास में यात्रा न करने को लेकर अपने मंत्रियों और सांसदों को सख्त हिदायत दे रखी है। ऐसे में इस तरह का मामला सामने आने के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाटा न्यूज। तो यूं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सादगी में जीवन जीने पर विश्वास रखते हैं, लेकिन जब बात उनके सांसदों और मंत्रियों की आती है तो ये सादगी नजर नहीं आती, क्योंकि उनके सांसद और मंत्री एक साल में रहने पर 25 करोड़ खर्च कर देते हैं। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में जेपी अग्रवाल साहब से करना चाहूंगी। जेपी जी, किसी और के दिन आए हो या ना आए हो, यहाँ सांसदों और मंत्रियों के अच्छे दिन जरूर आ गए। मुझे लगता है कुछ काम बेकायदा हुआ होगा, क्योंकि जो नए मेंबर चुनकर आते हैं उनको आवास देने की जिम्मेदारी जो हमारा हाउस कमेटी है उसकी होती है जी। तो उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन पहली बार जीता है, दूसरी बार जीता है, तीसरी बार जीता है, या जो जिस कैटेगरी का होता है उसको वो जगह दी जाती है जी। 5-स्टार होटल सिर्फ उनको दिया जाता है जो कैटेगरी 7 या 8 होते हैं, मतलब वो 4 या 5 बार मेंबर रह चुके होते हैं या पूर्व
मुख्यमंत्री होते हैं या पूर्व स्पीकर होते हैं या पूर्व गवर्नर होते हैं तो वो लोग फाइव स्टार में ठहर सकते हैं, बाकी कोई नहीं ठहर सकता। अगर इन्होंने कायदे का उल्लंघन किया होगा तभी इतना बड़ा बिल आ सकता है, वरना इतना बिल नहीं आ सकता। नंबर दो, मैं अर्जुन मेघवाल जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और मेरे साथ एमपी भी रहे हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब है उन्होंने कहा नए लोग आए हैं इसलिए फाइव स्टार दे दिया। ये बेकायदा है, पहली बार जो जीत कर आते हैं उनको भवन दिए जाते हैं जो स्टेट गेस्ट हाउसेस होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं। मुझे लगता है इन्होंने कायदे कानून का उल्लंघन किया है। जी, तो कायदों का उल्लंघन हुआ है। जीपी साहब, आप भी हाउसिंग कमेटी में रहे हुए हैं, आपने भी ये सारी जिम्मेदारियां संभाली हुई है, जो सांसद पहली बार आते हैं अगर उनके लिए नहीं है, जो ट्रांजिट में जैसा कि नियम में कहा गया है कि ट्रांजिट के लिए उनको होटल दिया जाए, क्या होटल की कैटेगरी बनी हुई अगर फाइव स्टार में नहीं रख सकते हैं तो क्या दूसरे सस्ते होटल में रखे जा सकते हैं जो पहली बार सांसद बन के आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रखे जा सकते, उनको स्टेट गेस्ट हाउस दिया जाता है, जैसे केरल भवन है, यूपी भवन है, हिमाचल भवन है, इनके कमरे ले लिए जाते हैं और जो वहां के सांसद होते हैं उन्हीं को वो कमरे वहां पे दे दिए जाते हैं लेकर, जो बहुत सस्ते होते हैं, 100 रुपए 200 रुपए रोज के। बिल्कुल, तो नियमों का उल्लंघन किया है या नियमों की अनदेखी की गई है, मतलब इस पूरे मामले में जो आप कह रहे हैं उसे यही सामने आ रहा है, सांसदों की कोई गलती नहीं है इसमें? अगर नहीं, सांसद तो जहां पार्लियामेंट ठहराएगी वहां ठहरेगा, उसकी कोई गलती नहीं है, ये तो जिसने अलॉट किया है, हाउस कमेटी ने अलॉट किया होगा, तो ये हाउस कमेटी की गलती है कि उन्होंने कैटेगरी के बाहर जाकर उनको फाइव स्टार होटल में ठहराया, जो बिल्कुल 100% बेकायदा है और नहीं होना चाहिए था। जेपी साहब, ये जो नियम है मेरे ख्याल से आप चूंकि हाउस कमेटी में इसलिए आप जानते हैं, लेकिन जो तीन बार चार बार या दूसरी बार या पहली बार भी, मान लीजिए पहली बार जो सांसद बन के आए शायद उन्हें नहीं पता हो, लेकिन बहुत सारे सांसद होंगे, अगर 330 सांसद हैं जो फाइव स्टार में रह रहे हैं तो क्या उनमें से कोई भी ऐसा सांसद नहीं था जिन्हें इस नियम की जानकारी हो और वो बताए कि इस नियम के तहत जो हम लोग फाइव स्टार में रहने के लिए एलिजिबल नहीं है, आप मुझे यहाँ क्यों ठहरा रहे हैं? सांसद की तरफ से भी तो आवाज उठनी चाहिए थी सर। नहीं, माफ कर दीजिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि पार्लियामेंट उनको अलॉटमेंट लेटर देती है कहीं ठहरने का, उनको क्या पता कि वो कैटेगरी में है या नहीं है। उनका फॉर्म भरा जाता है जिसमें लिखा जाता है कि मैं पहली बार का एमपी हूं, दो बार का हूं, तीन बार का हूं, चार बार का हूं, और उसके हिसाब से उनको दिया जाता है। नहीं, तो ये तो देने वाले की गलती, अग्रवाल साहब, अग्रवाल मिला उसकी गलती नहीं है। बिल्कुल अग्रवाल साहब, रोकना चाहूंगा, अग्रवाल साहब ये जो अलॉटमेंट होता है वो तो नियम के हिसाब से होता है, तो सांसदों को इस नियम की जानकारी होनी चाहिए ना। मुझे आप, हो सकता है अगर आप चाहते हैं कि उनको पहले से पढ़ के आना चाहिए उन्हें क्या मिलेगा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि जो वहां डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है, चाहे वो ऑफिसर है या मेंबर पार्लियामेंट है, उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, उनको ठहराने का काम भी उनका है। सांसद दिल्ली आता है, उसको उन्होंने एक अलॉटमेंट स्लिप दे दी कि आप वहां जाके ठहरे, अब ये उसकी गलती है देने वाले की। जी, इस कायदों को तोड़ने वाला सिर्फ हाउस कमेटी का चेयरमैन या ऑफिसर हो सकता है। कई बार ये होता है कि कोई व्यक्ति वहां ओवर स्टे करता है, मान लीजिए उसको अलॉटमेंट हो गया और उसके बाद उसको मकान भी मिल गया और वो दोनों जगह इस्तेमाल कर रहा, उस सूरत में उसको उसका पैसा देना पड़ता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मोहम्मद इरफान भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी प्रश्न जानना चाहेंगे। जिस तरह से अभी आपने जेपी अग्रवाल साहब को सुना, उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट सेशन नहीं होता उसके बावजूद भी जब सांसद अपने इलाकों में वापस जाते हैं तो उनके जो अटेंडेंट होते हैं वो वहां पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी खजाना है। ये कहा है कि ओवर स्टे अगर करते हैं, ओवर स्टे का मतलब ये हुआ कि कहीं उनको एकोमोडेशन अवेलेबल करा दिया गया है, बावजूद उसके वो वहां भी रह रहे हैं और होटल में भी रह रहे हैं, तो अगर वैसी स्थिति में ये हो सकता है कि वो नियम का उल्लंघन करे, उन्हें अपने पॉकेट से जो है वो पैसा देना पड़े। इरफान साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जितने भी सांसद हैं, ज्यादातर इसमें बीजेपी के सांसद हैं जिन्होंने ओवर स्टे तो मैं नहीं कहूंगा, जिन्होंने फाइव स्टार होटल का की ठाट का मजा लिया है एक साल तक। मैं मजा इसलिए कह रहा हूं, जेपी अग्रवाल साहब सहमत नहीं थे इससे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो सांसद हैं जिम्मेदार होते हैं उन्हें नियमों की इतनी समझ नहीं होगी कि अगर एक साल तक लगातार फाइव स्टार होटल में रह रहे हैं तो किसी ना किसी, अगर किस नियम के तहत रह रहे हैं ये भी तो उन्हें जानने का ये होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो कभी हुआ नहीं कि साल साल भर तक आप होटल में टिके रहे और फाइव स्टार होटलों का मजा लेते रहे और कहें कि हम जनता के पैसे पे हो रहा है सब। ज्यादातर सांसद आपकी पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं।
नहीं, मैं सबसे पहले तो मुकेश जी आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी कांग्रेस को जो है जो सत्ता है उनके हाथ से चली गई है, अभी वो मजा छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ज़्यादातर जो सांसद हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, जिन्होंने अभी तक भी कोई अकोमोडेशन खाली नहीं की है। और अगर उन्होंने अकोमोडेशन खाली नहीं की है तो सबसे ज़्यादा गलती और कसूरवार कौन सांसद हुए, कौन सी पार्टी हुई, वो तो मजबूरी में उनको वहाँ पर होटलों में रहना पड़ रहा है, जैसा अभी आपने बताया और मेरे को भी मालूम है। जैसे ही सांसद को जो है सर्टिफिकेट मिलता है तो वो एकदम लोकसभा जो सचिवालय है वो उनको रुकने की, जब तक कोई उचित प्रबंध ना हो, उचित व्यवस्था ना हो, तो वो भवनों में या होटलों में रुकवाने की, अभी नहीं, पहले से ही इसकी व्यवस्था होती है, ये कोई नई बात नहीं है कि होटल में रह रहे हैं। 2004 में जब हम हारे थे तो कांग्रेस के बहुत सारे MP वो सारे 5-स्टार होटलों में रहते थे। ये तो JP जी क्योंकि भूलने की इनको आदत है, और हालांकि वो खुद इसके हाउस कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं तो अपनी मेमोरी को दोबारा ठीक तरीके से पढ़ लें। 2004 में जब हम हारे थे, JP की सरकार बनी। JP साहब इस बात को नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है सही है, ये नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जो हाउसिंग कमेटी है उसकी गलती है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि BJP वाले गलत कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज और बोली कि वो जितने भी भवन है उनमें नहीं रुके, तो मेरे को तो अच्छी तरीके से मालूम है। नहीं तो अगर जो इरफान भवन में रुके हैं, कांग्रेस ने गलती की, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गलती करें। मुकेश जी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, 73 हमारे सांसद जो है बिल्कुल वो UP से जीत का है। इरफान साहब UP में इतने साहब, JP साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, UP भवन में इतने कमरे नहीं जो 73 सांसद वहां रुके, वहां से आने वाले मेंबरों के भवनों में भी जा सकते हैं, बात नहीं उसी भवन से आने वाले जो MLA है, बात कर रहे हैं वहां से आने वाले जो मंत्री हैं वो भी उस भवन में रुकेंगे। इरफान साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। जी JP साहब बताइए। जी इसमें कांग्रेस BJP कहीं नहीं आ रही, ये अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट हाउस कमेटी करती है। अगर मान लीजिए कोई आदमी ओवर स्टे करता है सरकारी मकान में, तो जो उस समय की गवर्नमेंट है उसका काम है उसे खाली कराना, खाली कराए, बिजली काटे और सड़क पे खड़ा कर दे उसको। मैंने भी कई लोगों के मकान खाली कराए थे इसी तरह। JP साहब आपकी पार्टी की कुमारी शैलजा है, अभी खाली नहीं किया है। अब मेरे तो आप, आपके पास एक कायदा है कि आप जो खाली नहीं करता 1 महीने के अंदर उसकी बिजली पानी काट के आप बाहर खड़ा कर सकते हैं, आपने क्यों नहीं करा? आप ये पार्टी को बीच में मत लाओ। मैंने शुरू से किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, ये बहुत गलत तरीका है। बिल्कुल हर पार्टी नहीं आने की, लेकिन JP साहब आपकी एक बात से, JP साहब आपकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आप पूरा दोष जो है वो हाउसिंग कमेटी पे आप डाल रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें सांसद को भी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी थोपी जानी चाहिए, क्योंकि सांसद कोई वैसे नहीं होते, आम आदमी से तुलना नहीं कर सकते, उन्हें नियमों की जानकारी कम से कम होनी चाहिए। उन्हें भी नैतिकता उनकी ये नहीं कहती कि आपको अगर ठहराया जा रहा है तो आप ऐस करते रहो, आप जनता की गाड़ी कमाई से ये पैसे आते हैं, टैक्स के पैसे होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। आप सीधे तौर पर कोई रिमाइंडर तो दिया ही, बिल्कुल सीधे तौर पर आप बरी नहीं कर सकते जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रह रहे हैं। आप अपनी जगह सही है, आप जो बात कह रहे हैं कि सांसद को मालूम होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो आदमी सालों से ये काम कर रहा है उस कमेटी में बैठ के, जो चेयरमैन है, और चेयरमैन भी कोई छोटा आदमी नहीं है, कई बार का सांसद है वो, उनको कायदे कानून मालूम है। जब वो गलती कर रहे हैं तो पहली बार के सांसद को कसूरवार क्यों ठहरा रहे हो आप? बिल्कुल जी। KC जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका भी हम रुख करना चाहेंगे। जैन साहब आपको क्या लगता है, आपके भी पार्टी के कई हैं सांसद हैं जो कि 6-6 महीने तक अशोका होटल्स में रहे हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए अब पहले की बात तो नहीं बता सकते हैं जी, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है कि समाजवादी पार्टी के सांसद होटलों में हैं। और जो मुद्दा उठा है कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है, इनमें जिस तरीके से वो JP साहब ने बात सही कही कि किस तरीके से अलॉटमेंट आप कर रहे हैं, और जब हाउसिंग कमेटी इसका निर्णय लेती है किसको कहाँ भेजा जाए, तो हाउसिंग कमेटी को जिम्मेदारी लेते हुए उन लोगों को कम खर्चे वाली जगह पे सुविधाएं भी मिले, क्योंकि वो सांसद हैं, लेकिन कम खर्चे वाली जगह पे उनको एडजस्ट किया जा सकता था। और ऐसा नहीं है कि UP भवन में 50-60 लोग नहीं रह सकते एक साथ में, जो है क्या आप अपनी पार्टी के सांसदों को ये बात कहेंगे कि जो पैसे आपने होटल में खर्च किए 5-स्टार होटल में, वो सरकार को वापस करें, क्योंकि आपको रहना चाहिए था? सांसद इस तरीके के नहीं है, नहीं इस तरीके के नहीं है, तो रिकॉर्ड में आ चुका है, आपके सांसद रह चुके हैं वहाँ पे, आप 6 महीने रहे हैं, कोई साल भर रहा है, वर्तमान में नहीं रह रहे, वर्तमान में तो कोई नहीं रह रहा है, नवम्बर
ये अप्रैल तक सारे लोग होटल खाली कर चुके हैं। अप्रैल में होटल का बिल जब दिया गया उसके बाद ये मामला सामने आया। वो कितने समय तक रह रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, कितने समय तक रह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ छह महीने तक आपके जो सांसद हैं, तो समस्या जैन साहब हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आपकी पार्टी के सांसद ने छह महीने तक होटल अशोका जो कि फाइव स्टार होटल है उसके मजे लिए हैं, वहाँ चाय पानी नाश्ता खाना और रहना सब चीज किया है उन्होंने, जबकि आपके यूपी भवन आपका यहाँ पे है, यूपी निवास आपका यहाँ पे है। वहाँ पे कितने नहीं तो मैं आपसे 330 के बारे में नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ आपकी पार्टी के बारे में पूछूंगा। बाकी पार्टियों के नेता है हमारे, मैं उनसे पूछूंगा समाजवादी पार्टी कितना लोग उसमें वहाँ पे रह रहे हैं, और जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जी उसको इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जो जो चीज जेपी साहब ने कही कि कितनी बार वो लोकसभा में रह चुके हैं इसके हिसाब से भी उनको ये तो नियम बने हुए हैं। मैं तो यही बात कह रहा हूँ जैन साहब, नेताजी कितनी बार सांसद रह चुके हैं जैन साहब ये किसी के बताने से नहीं है, ये तो नियम बना हुआ है और इस नियम को पालन करना और इस नियम की जानकारी सबको होना चाहिए। अगर आपको किसी छोटी जगह पे ठहरवा दिया जाता, अगर आपको किसी ढाबे पे रोक दिया जाता तब तो आप विरोध करते, भाई मुझे यहाँ पर क्यों ठहरा दिया गया, मैं एलिजिबल कहीं दूसरे चीज के लिए हूँ। लेकिन जब आपको फाइव स्टार में ठहरा दिया जाता है तो एक बार भी प्रश्न नहीं करते हैं कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ और कितने समय के लिए। नहीं, बिल्कुल मुझे जी बिल्कुल इस पर प्रश्न उठना चाहिए। आपने जो दूसरा मुद्दा उठाया है कि जो मतलब हाउसिंग कमेटी के बजाय सांसदों की स्वयं की जिम्मेदारी बनती, बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है। सांसदों की स्वयं की जिम्मेदारी बनती है और हाउसिंग कमेटी की तो जिम्मेदारी बनती है और तमाम सारी जगह देखिए ढाबा नहीं है। अगर यूपी भवन है या एमपी भवन है या झारखंड भवन बना हुआ है दिल्ली में, तो वो ढाबा नहीं है। मैं भी कई जगह पे गया हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यूपी भवन तो बहुत अच्छा है, मैं गया हुआ हूँ, मैं वहाँ पर और बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बिल्कुल अच्छी सुविधाएं हैं। होटलों की तुलना तो नहीं की जा सकती उनसे। मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि आपके अच्छे भवन हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, बावजूद इसके आप लोग होटल को प्रेफर करते हैं। और कुछ नेताओं से जो मेरी बातचीत हुई उनका तो ये भी कहना है कि होटल का खाना तो मुझे अच्छा नहीं लगता फिर भी रहना पड़ रहा है। तो इस तरीके की बातें सुनकर हमारे समाजवादी देखिए समाजवादी पार्टी की सोच एक समाजवादी विचारधारा से जुड़ी हुई है और बिल्कुल जैन साहब आप हमारे नेता जैन साहब कभी नहीं चाहते हैं वीआईपी कल्चर को ना तो बढ़ावा देते हैं ना जी, बिल्कुल आपसे वीआईपी कल्चर पे भी बात करेंगे। जेपी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसको एक साल ने खर्च कर दिया, इस पर जरूर सवाल खड़ा होगा जी। जेपी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अलॉटमेंट होती है इस अलॉटमेंट में सिर्फ जगह दी जाती है, अगर कोई उसमें खाने का बिल जो बढ़ाएगा या खाना खाएगा या होटल की और सुविधा लेगा उसका पैसा उसे देना पड़ेगा, पार्लियामेंट नहीं देती उसका पैसा। चलिए तो ये बात अच्छी है, जो कम से कम खाना तो इसीलिए शायद वो कह रहे हैं, और अगर तो शायद सांसद से मेरी बात हो शायद इसीलिए कह रहे होंगे खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी कुछ जेपी साहब कुछ नहीं, अगर उन्होंने खाना खाया और उसका बिल पार्लियामेंट ने दिया है वो 100% ही गलत है। नहीं बिल्कुल, इस बात के सबूत अभी हमारे पास नहीं है कि खाने के बिल सरकार ने दिया या सांसद ने खुद दिए हैं, तो ये जब हमारे पास सूचना आएगी तो बोलेंगे जी। विवेक यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका भी रुख कर लेते हैं। आपकी पार्टी के सांसद भगवंत मान जो कि संसद में बड़ी बड़ी कविताएं रखते हैं महंगाई के ऊपर, लेकिन अगर उनका भी बिल देखा जाए तो वो भी दूसरों से जुदा नहीं है। ये जो बहस अभी हो रही है इस पे बड़ी हंसी आ रही थी मुझे कि ये सब एक दूसरे के ऊपर टालने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी की बात कर रहे हैं, व्यवस्था पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। जहां तक आप देखिए कि पूरी व्यवस्था इस पूरे प्रकरण में कटघरे में है कि अगर भगवंत मान जी के आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, जो सत्ता में है उनकी जिम्मेदारी है कि उनके रुकने का स्थान कहीं उनको दिया जाता, और जैसे ही भगवंत मान जी को अलॉट हुआ और वो अपने उसमें वापस चले गए जी। कुल मिलाकर के सबसे बड़ी चीज तो ये है कि होटलों में रुकने की व्यवस्था करता कौन है, हाउसिंग कमेटी या गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है जो भी उनकी व्यवस्था है उसके तहत किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया पे एक सवाल खड़ा किया जाना चाहिए कि एक तरफ इस देश का किसान भूखे मर रहा है और लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए ये विवेक जी ये जिम्मेदारी तो आपके सांसदों की भी बनती है, ये जिम्मेदारी तो आपके सांसद ही मांग भी तो कह सकते थे कि किसान आत्महत्या कर रहा, मैं होटल में नहीं ठहरूंगा, मैं जा रहा हूँ केजरीवाल जी के बंगले में रुकूंगा या विवेक जी के साथ रुक जाता हूँ।
लेकिन रुकने की जगह तो उनको चाहिए थी, एक सांसद होने के नाते रुकने की जगह चाहिए थी। ये सरकार की नहीं, जब आप नैतिकता की बात करते हैं सबसे बड़ी चीज, विवेक जी जब नियम की बात करेंगे तो ठीक है, नियम की बात करेंगे तो ठीक है, उन्हें जो होटल अलॉट किया गया वहां पर वो रुक रहे थे, लेकिन जब नैतिकता की आप बात करते हैं तो ये नैतिकता उनमें भी होनी चाहिए। जो फाइव स्टार होटल इतना महंगा होटल है और जनता की गाड़ी कमाई से बिल दिया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं अपने एकोमोडेशन पे रहे? मुझे लग रहा है जो उसके लिए जी जी बताइए विवेक जी, भगवंत मान जी ने उसके लिए कई बार लिखा और उन्होंने कहा है कि हमको अलॉट किया जाए और हमारा घर दिया जाए हम जिसमें रहें। ये तो सबने और पूरी व्यवस्था पे मैं सवाल खड़े कर रहा हूं। विवेक जी, विवेक जी, ये तो सभी कोई लिख रहे थे। पर सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि कोई इस तरह की। दूसरा आप देखिए, मैं एक मिनट आप सुन लीजिए, दूसरा आप देखिए कि इसी दिल्ली के अंदर बंगलों की और भवनों की मारामारी के लिए दोनों पार्टियों के या जितने भी पार्टियां हैं इनके सांसद यहां हैं, वो हारने के बावजूद भी खाली नहीं करते हैं। और उसके बाद सरकार व्यवस्था करती है कि फाइव स्टार होटल्स में रहें, किसी होटल में रहें, ये सरकार की व्यवस्था पे और जो पार्टियां अभी तक सरकार में रही उस पर मैं सवाल खड़ा करना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था करें कि हारने के तुरंत बाद उनको खाली कर दिया जाए बंगलों को, उसमें नए सांसद आकर के रहें, ऐसी व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती है? तो बिल्कुल एक व्यवस्था की जरूरत है, क्योंकि अगर हम 25 करोड़ का आंकड़ा को एक एक दिन में डिवाइड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक दिन का 6,85,000 रुपए बनता है। अगर आप अंदाजा नहीं लगा सकते अगर ये हम किसी एक गांव में खर्च हो तो उस गांव की तस्वीर क्या होगी, इस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अमित दुबे ने, आइए आपको भी दिखाते हैं। सरकारी धन का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लगातार चाहे नेता हो चाहे अफसर हो इस धन का लगातार दुरुपयोग करते हैं, ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं। इस पर बात करते हैं बीजेपी प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की, कि जो आपदा के समय जो पैसे गए थे बाद में रिपोर्ट आई कि वो अधिकारी और मंत्रियों और नेताओं के बीच में रह गए, सही जगह तक नहीं यूज हुए, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए ये कांग्रेस पार्टी का करैक्टर है, ये इनका शासन जहां रहेगा, अब केंद्र में था तो भ्रष्टाचार के सीरियल दिखाए जाते थे, अभी स्टेटों में है तो उनका तो अपना वो स्वभाव ही है लूटपाट का। हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी ने स्पष्ट कहा था कि हम खाते हैं न खाने देंगे। लेकिन सर एक बड़ी बात एक ये भी आ रही है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि बीजेपी सांसदों का खर्चा जो सरकारी खर्च है वो कांग्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा है, चाहे वो होटलों में रहने के लेके ले लें या आने जाने के लेके, तो ये भी एक बड़ा सवाल है, क्या ये आर्थिक स्थिति जो मजबूत करने की बात कही है उस पर सवालिया निशान नहीं खड़े? नहीं देखिए, खर्चे की जहाँ तक बात है ये तो स्वाभाविक है कि हमारी पार्टी का कांग्रेस से अगर वर्तमान में देखा जाए तो 10-20 गुने का ज़्यादा का अंतर है, कि हमारी संख्या ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा खर्च हुआ होगा। दूसरी बात ये कि कांग्रेस के सांसद जो ये खर्चे आए हैं उनके होटलों के आए हैं या जो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था आवास की गई थी उसका आया है, तो उसमें भी कांग्रेस के सांसदों ने तो निर्लज्जता पूर्वक कार्य किया, उन लोगों ने तो अपने आवास खाली ही नहीं किए समय से। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जिन्होंने साफ किया कि होटलों में रहना सांसदों की मजबूरी थी, कई बार वार्निंग के बाद में जो पूर्व सांसद थे उन्होंने आवास नहीं खाली किए इसलिए सरकार को वहां पर रखना पड़ा, उस वजह से खर्चा ज्यादा हुआ है। और बाकी लगातार जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सांसदों का खर्चा ज्यादा हो रहा है वो उनका निजी खर्च नहीं है। जेपी अग्रवाल जी का मैं रुख करना चाहूंगी। जेपी जी, अगर देखा जाए तो जब भी एक कोई सत्ता परिवर्तन होगा, कोई दूसरी सरकार आएगी तो उन्हें इसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि जो पहले सांसद है जो अब चुनाव हार गए हैं उसके बाद जो नए सांसद आए हैं उनको घर का अलॉटमेंट करना है, जो पहले सांसद होंगे वो घर खाली नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनाने की यहाँ पर जरूरत है जिससे कि एक टेन्योर वहां पर फिक्स होना चाहिए कि इस टेन्योर के बाद में अगर आप चुनाव हार गए तो आपको घर खाली करना चाहिए। बना हुआ है उसे फॉलो करने की जरूरत है। एक जो आदमी एमपी नहीं रहा जी, वो एक महीना कंसेशनल प्राइस पे रह सकता है और एक महीना कमर्शियल पे रह सकता है। जैसे मैं चुनाव हारा तो मैंने 2 महीने में अपना मकान खाली कर दिया, उसका पैसा जमा कर दिया जी। अब अगर जो आदमी जो हाउस कमेटी का चेयरमैन है, हाउस कमेटी है, वो अगर 6-6 महीने मकान खाली नहीं कराती इररेस्पेक्टिव कि वो आदमी किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, तो ये हाउस कमेटी की जिम्मेदारी है। आप क्यों किसी को छूट देते हैं?
जी कायदा है, दो महीने में मकान खाली होगा, आप दो महीने बाद बिजली काट दे, पानी काट दे, उसका अपने आप मकान खाली होगा। बिल्कुल, एक चीज जेपी साहब जानना चाहेंगे आपसे, क्या इतने हमारे जो सांसद 550 लोकसभा में, 250 राज्यसभा में, करीब 800 सांसद जो हैं होते हैं एक समय में, तो क्या जो आवास है, जो उनके रहने की व्यवस्था है दिल्ली में, तो क्या हमारे पास हाउस की कमी है या इससे ज्यादा है? हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक तो ठीक ठाक बता रहे हैं, जो 200 से ज्यादा नॉर्थ एवेन्यू में है, 196 साउथ एवेन्यू में है, उसके अलावा 100 फ्लैट्स और बनने, फिर लुटियन जोन में करीब 315 जो है बंगले हैं वो बने हुए हैं, तो 800 से ज्यादा बंगले हैं, फिर ये दिक्कत क्यों आती है? दिक्कत ये आती है कि इसमें एमपी भी होते हैं, सरकारी अफसर भी होते हैं, और जो ऑनरेबल जजेज हैं उनको भी यही अलॉटमेंट किया जाता है। अब मेंबर पार्लियामेंट के लिए जो बंगलो हैं वो तकरीबन उतने ही हैं जितने होने चाहिए 800 के करीब, राज्यसभा लोकसभा मिलाकर। तो खाली करने में जो समय लगता है दो महीने, इसके बीच में इनको ठहराया जाता है, तो वो ठहराने के बाद वो अलॉटमेंट होता, तो दो महीने का समय एक पीरियड ऐसा रखा गया है जिसके अंदर उनको हम अलग ठहराते हैं। लेकिन अगर आप मकान खाली नहीं कराते समय के ऊपर तो उसका पैसा आपको देना पड़ता है। जी जेपी अग्रवाल जी, मेरे पास कुछ नाम है, जैसे जितेंद्र सिंह हुए, पीसी चाकू, ब्रजेंद्र सिंगला, अवतार सिंह बडाना और बीएल मरांडी, ये कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने दिसंबर तक भी अपने घर खाली नहीं किए थे। क्या यहाँ पर इन सारे नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपना घर छोड़े और दूसरों के लिए, जब जिनका अधिकार अब उस घर पर है उनके लिए वो घर छोड़ दे, जिससे इस तरह की दिक्कतों ही ना हो, अगर सेल्फ इनिशिएटिव की बात की जाए तो? किसी नाम की जरूरत नहीं है, मैं ये कहता हूँ एक कायदा बना हुआ है और सही कायदा बना हुआ है, और जो भी कायदा है उसको हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। जी आप इसमें एक इसमें जोड़ दें, हो सकता है कानून में तब्दीली कर दें कि जो भी कायदे कानून को तोड़ेगा वो अगली बार मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकता, उसे डिबार कर दिया जाएगा, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, तो नियम में सख्ती लाने की जरूरत है। इरफान साहब बहुत देर से बैठे हुए, इरफान साहब क्या कहेंगे आप, क्या जरूरत है सख्ती लाने की? जो जेपी साहब ने ये बात कही है मैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ, कोई ना कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि यूपी में जो हमारे देखा है मैंने कि जो एमएलए कहीं से अगर हारता है तो जीतने वालों को उसी रूम की चाबी उसको दे देता है वहाँ का सेक्रेटरीट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ऐसा ही कोई सिस्टम जो है यहाँ लोकसभा में, राज्यसभा में, एक चीज मुझे लगता है कि जो सांसद जिस लोकसभा का अगर जीता है वो उसमें रहता है, तो दूसरे वाले को जैसे बताया दो महीने के अंदर अंदर उसको चाबी सौंप कर जाना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए, ऐसा नियम बनना चाहिए। लेकिन अभी विवेक जी जो एक बात का जिक्र कर रहे थे, ये हर चीज के लिए जंतर मंतर का रुख करते हैं, तो हमने किसी न्यूज में या किसी जगह पर ये नहीं देखा कि भगवंत मान जी ने जंतर मंतर पर जाकर ये धरना दिया हो कि ये मैं होटल नहीं लेना चाहता और मैं ना वहाँ रुकना चाहता हूँ, कहीं भी रुक जाऊंगा। लेकिन ये क्योंकि बात खुल गई है तो विवेक जी इस तरीके की चिकनी चुपड़ी बात कर रहे हैं, कोई सही तरीके से उन्होंने ठोस जवाब नहीं दिया। जी विवेक जी जवाब दीजिए इरफान साहब की बात का। देखिए चिकनी चुपड़ी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, चिकनी चुपड़ी बात तो ये दोनों पार्टियों के नेता कर रहे हैं कि कानून बनना चाहिए, इस पे दंड का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन करेगा कोई नहीं क्योंकि मंशा साफ नहीं है, नियत साफ नहीं है, ये दोनों कुछ करने वाले नहीं है। इनको इनकी मिलीभगत इसी से साफ हो जाती है कि जब वो सत्ता में होंगे तब ये ब्लेम करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, जब दूसरे सत्ता में होंगे तो वो दूसरे को ब्लेम करेंगे, कार्रवाई कोई नहीं करेगा। अभी देखिए कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ एलजी ने फाइल बंद कर दी, जिसको आम आदमी पार्टी ने दोबारा से कहा कि उनके भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया जाए, ये एक दूसरे की चीजों को दबाने का प्रयास करते हैं, चीजों को हल करने का प्रयास नहीं करते क्योंकि इनकी मंशा नहीं है। बिल्कुल, जैसे भी आप देख रहे हो दोनों सहमत हैं, विवेक रूप से एक कानून में बदलाव होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, लेकिन बनाएगा कौन सर? बनाएंगे तो आप दोनों मिलकर के, उसमें 2000 में है वो मिलकर के बनाएंगे। 2013 के चुनाव में आपके ही जो उस टाइम मुख्यमंत्री है वो बड़ी मोटी किताब और बोरियां लेकर उनके जो है जो उन पर भ्रष्टाचार के चार्ज लगे हुए थे उन्होंने उसे लपेट के रख दिया था सिर्फ अपने समर्थन के लिए, जो 8 MLA को समर्थन लिया था। तो आप इस तरह की बात ना करें, आपके करेक्टर को सब पूरी दिल्ली की जनता जानती है। इरफान जी जब हम बात करते हैं सांसद निधि की तो कोई भी सांसद अपनी निधि से एक पैसा तक खर्च नहीं करता, लेकिन जब बात होती है सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की, जनता की गाड़ी कमाई को खर्च करने की, तो हमारे पास 25 करोड़ का बिल आ जाता है। नहीं, अगर उसका जो है इस तरीके से पूरी कंसेंसस बनाकर पूरे पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होना चाहिए, और अगर उन्होंने गलत तरीके से उसका मिसयूज करा है
तो उनसे बिल्कुल पैसे लेने चाहिए। इरवान साहब, जब इस तरह के पूरे मामले आते हैं, सरकारी खजाने का दुरुपयोग होता है, चेतावनी देने से कुछ नहीं होगा, आखिरकार जनता की गाढ़ी कमाई की भरपाई कौन करेगा? नहीं, मेरे को तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि किसी सांसद निधि में उसने सही तरीके से पैसे नहीं खर्च किए। 298 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सांसद निधि से एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। सांसद निधि की बात हम नहीं करेंगे, सांसद निधि से एक साल में पैसा, बहुत सारे ऐसे हैं, पिछली बार हमने कार्यक्रम भी किया था, उसमें 200 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी निधि से एक पैसा भी खर्च नहीं किया था, और उसमें बड़े बड़े नेता आपके राजनाथ सिंह की कंस्टिट्यूंसी में भी उनके पैसे से खर्च नहीं हुए हैं, और मोदी जी ने भी जो है केवल 16% खर्च किया है, राहुल गांधी मनोहर जोशी ने मुरली मनोहर जोशी जी ने भी नहीं खर्च किया है। लेकिन ये आज हम मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आज जो 25 करोड़ रुपये जो होटल बिल में दिए गए हैं, एक साल तक आपके नेता, आपके सांसद, आपके मंत्री जो कि अभी मंत्री बने, वीके सिंह की अगर बात करें, वीके सिंह भी इसमें शामिल हैं, और मुझे नहीं लगता है कि वीके सिंह जी को यह नहीं पता होगा कि नियम क्या कहता है होटल में ठहरने का। अगर कोई सांसद पहली बार बन के आता है तो कितने दिनों तक वो जो है होटल में रह सकता है, होटल का एकोमोडेशन ले सकता है, वो चाहते तो इनिशिएटिव ले सकते थे। बहुत सारे ऐसे सीनियर नेता थे, सीनियर सांसद थे, जिन्हें इनिशिएटिव लेकर के इस बात को करना चाहिए कि भवन में रुका जाए, दूसरी जगह रुका जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार इस तरीके की बातें हो रही थी, इस तरीके के प्रोग्राम भी चलाए जा रहे थे, लेकिन आपके किसी भी सांसद या मंत्री की नींद नहीं खुली। नहीं, कोई भी आदमी अपनी खुशी से नहीं रह रहा था मुकेश जी, वो नहायत ही मजबूरी में जहां भी उनको एकोमोडेशन दी थी वो रुके हुए थे, क्योंकि कहीं भी खाली नहीं हो रहे थे। आप ये खाली करने मजबूरी की बात कर रहे हैं तो आप एक बताइए, खाली करने के बाद में जो आपके सांसद हैं दिल्ली से, उनकी क्या मजबूरी रही होगी? दिल्ली में उनका अपना घर है, दिल्ली में उनके पास अकोमोडेशन है, बावजूद इसके वो दिल्ली के होटल में उन्होंने अकोमोडेशन लिया, क्या मजबूरी रही होगी? मैं वही बताना चाहता हूँ आपको कि उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी अगर वो वहां रुके होंगे। नहीं, कोई भी ये चीज ये बात जनता पहचान नहीं पाएगी। अलर्ट होने के बाद मुकेश जी, अलर्ट होने के बाद भी उसमें लगातार 2-3 महीने तक नहीं, आखिर महेश गिरी जी को होटल में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? चुनाव जब लड़ रहे थे तो वो अपने घर से लड़ रहे थे, उनका अपना अकोमोडेशन है और काफी वेल ऑफ है, वो अपने यहाँ रह सकते थे, उन्हें होटल में जाने की क्या जरूरत? अभी भी अपने घर से ही पूरा संचालन करते कर रहे हैं, लेकिन 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 जो उनका ऑफिस है सब जनता वहीं पर जाती है, ठीक है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने होटल लिया हुआ, जो हमारे पास जो जानकारी है, हमारे पास जो बिल जो उनके हैं, उनके उनकी उनकी तरफ से भी जो है, अगर करीब जैसे अभी तक बिल जेपी साहब ने भी बताया और मेरे को भी मालूम है, सिर्फ एकोमोडेशन रहने के लिए दी जाती है, खाने का बिल जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता। अगर किसी ने खाया है तो वो अपने पैसे अपनी जेब से उसका भुगतान करेगा, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। खाने की बात तो हो नहीं रही है इरफान साहब, दूर की बात हो गई, खाने की बात तो कर नहीं रहा। हमारे साथ जैन साहब भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जैन साहब वापस करें आएंगे आपके पास, एक चीज जो देखने को मिली है कि केवल सांसद वही नहीं जो बाहर से आए हैं, जो दिल्ली के भी सांसद हैं जिनका अपना अकोमोडेशन है यहाँ पर, वो भी होटल का इस्तेमाल कर रहे थे, जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही थी उसका उपयोग कर रहे थे, उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया। क्या आपको लगता है कि सांसदों को इनिशिएटिव लेना चाहिए, खासकर वैसे सांसदों को जो वरिष्ठ हैं, 2 बार 3 बार चुन के आए हैं और उन्हें लगता है जो सही में कंसर्न है, जो जनता से सही में जो वास्ता रखते हैं, उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए था इस मामले में? मुकेश जी, कि जो प्रश्न आपने उठाया कि जिन लोगों का आवास वहां पर है और वहां दिल्ली में रह के चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद में भी वो होटलों में रह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल निहायत ही गलत है। आपने जो प्रश्न उठाया उसका इरफान जी ने जवाब ये दिया कि खाना का जो खर्चा है और जो अन्य खर्चे हैं वो अपना वहां कर रहे थे, वो सरकारी खर्चे नहीं थे, वो तो सेकेंडरी चीज है। ये जो 25 करोड़ का बिल आया है इसमें खाने का बिल कैसे जुड़ा हुआ है? इस तरीके से जो आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है उसका जिस तरीके से बंदरबांट हो रहा है, जिस तरीके से वो पैसा उड़ाया जा रहा है सांसदों के ऊपर, और सांसद तो जमीन से चुनकर क्या है, आम पब्लिक से चुनकर क्या है, पहली बार चुनकर क्या है, उसके बाद भी इतना वीआईपी कल्चर हावी है उस पर। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, एक तरफ ये बात करते हैं, सादगी की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, उसके बाद में इस तरीके की बात आती है कि जिनके पास सारी सुविधाएं हैं दिल्ली में और वहां से रहकर चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद में स्त्रीय सुविधाएं ले रहे हैं और जनता का गाड़ी कमाई का पैसा 10,000 रुपए 7,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से केवल वो होटलों में जा रहा है, एक तरीके से मिसयूज हो रहा है।
कम से कम उससे तो बचा जा सकता था। यही तो हम भी कह रहे हैं कि मिसयूज हो रहा है। आप भी जिस आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में अभी भी कितनी जगह ऐसे हैं जहां पर लोगों को पीने का पानी तक मैसर नहीं होता है। अगर ये 7 लाख की जो पर डे का हम खर्चा बता रहे हैं, अगर 7 लाख में उन गांवों में 4 हैंडपंप भी लगा दिए गए होते तो उन गरीब जनता का कितना भला होता, क्या इस बारे में भी आप सोचेंगे? इतना पैसा है तो जो सांसद है यहाँ के, अगर वो सांसद उस पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल करे। सांसद दिल्ली में क्यों कमरा लेके पड़े हुए? अब आप देखिए डिंपल जी को देखिए, अपने क्षेत्र में कन्नौज में काम कर रही है, नेताजी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो 5 सांसद नेताजी के भी खर्च नहीं हुआ है। जैन साहब आप अपने आंकड़े सही कर लीजिए, इरफान साहब के पास हम जाएंगे। इरफान साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो ये बोलना चाह रहा था जो आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ समाजवादी के पार्टी के सांसदों ने भी वहाँ रुके हैं, तो अगर वो जितने जैन साहब अभी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं तो पहले से ही हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का घर वहाँ मौजूद है, रामगोपाल यादव जी का घर मौजूद है। अगर वो इतने ही पैसों की बचत करना चाहते थे तो वो उनके मकान में जाकर रह सकते थे, इनके मकान में जाकर रह सकते थे। कि मुझे कंफर्म नहीं है कि कितने दिन तक समाजवादी पार्टी के कौन कौन से सांसद वहां पर रहे, लेकिन हमारी जहां तक जानकारी में है, जिस तरीके से लगातार कार्यक्रम जो है समाजवादी पार्टी के सांसद अपने क्षेत्रों में करते हैं और क्षेत्र में मौजूद रहते हैं, आप वो आंकड़ा देख लीजिए, जो 5 सांसद है समाजवादी पार्टी के, आप देखिए सब अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वो तो सभी पार्टियों के सांसद अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बताना चाहेंगे कि आप ही की पार्टी के महबूब अली मई से लेकर नवंबर तक होटल में रहे हैं। राज्यसभा के सांसद है, उनको आप सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ तो हम खर्चे की बात कर रहे हैं, कहीं के भी सांसद हो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, 6 महीने एक होटल में रहना कहाँ तक मुनासिब है? कि ये बंदरबाट, ये जो बंदरबाट कर रहे हैं, तो यानी कि आप भी उस बंदरबाट में अपनी हिस्सेदारी दिखा रहे हैं? नहीं, उसमें क्या है कि ये कुछ लोगों को 2 साल ऊपर करने के लिए उनको ऐसी जगह पे लग रहा है, ये उनको सुविधा देनी चाहिए अन्य जगहों पे, जी सुविधा देनी चाहिए। तो किसी का भी जमीर यहाँ पर नहीं जाग रहा और यही वजह है कि विकास की बात हम करते हैं और ठाट कोई दूसरे लगाते हैं। जनता के पैसों से ठाट से होटल्स में रहने वाले सांसदों और मंत्रियों पर उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, इसमें नेताओं के साथ साथ सरकारी तंत्र भी जिम्मेदार है, क्योंकि बिना सरकारी तंत्र के मिले कोई नेता किसी भी सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं कर सकता। उन्हें तो आम आदमी की तरह से सोचना चाहिए, उनको हर इंसान को जो नीचे तबके में है उनको देखना चाहिए, पैसे खर्च करने के पहले सोचना चाहिए कि ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। सब नहीं है लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही है, कुछ परसेंट ठीक है, बाकी मैक्सिमम ऐसे ही है कि बंदरबाट हो रही है, लूट रहे हैं। जो सरकार पैसा खर्च कर रही है गलत कामों पे, जैसे आपकी मूर्तियाँ बन रही हैं, पार्क बन रहे हैं, ये चीज़ें रुकनी चाहिए यहाँ पे। यार तो बात यह है कि पब्लिक का पैसा है, ऑब्वियसली पब्लिक के लिए यूटिलाइज होना चाहिए, अगर पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए यूटिलाइज नहीं होता है तो पब्लिक किस लिए पैसा बिगड़ेगी? तो यही एक बड़ा सवाल है कि अगर नेताओं को ये कहा जाए कि 7 लाख पर डे पर उन्हें अपनी जेब से पैसा खर्च करके किसी होटल में रहना है तो क्या वो रहेंगे? ये जनता की कमाई है, जनता का हक है, आखिरकार हमारे माननीयों को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो जनता की घाड़ी कमाई को होटल्स में जाकर दे दे। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसके साथ मैं शुक्रिया करना चाहूंगी अपने तमाम मेहमानों का, बीजेपी से हमारे साथ मोहम्मद इरफान थे उनका भी शुक्रिया, जेपी अग्रवाल, विवेक यादव और केसी जैन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक मैं यहाँ पर ये भी आपसे अपील करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में कुछ भी सोचते हैं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है या फिर आप अपना कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे थे उन नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं, अपना ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आपको हम छोड़ जाते हैं पब्लिक पंच के साथ। किसानों के साथ समय बिताने के बाद राहुल ने सोनिया से कहा, मम्मी मैंने 4 घंटे किसानों के साथ बिताए। सोनिया ने कहा, शाबाश बेटा, क्या सीखा फिर तूने? राहुल ने कहा, बीड़ी है बीड़ी। मैगी तो निपट गई, अब प्लीज फेयर एंड लवली की जांच हो जाए। बचपन से 6 हफ्ते गिन गिन कर बूढ़े हो गए पर रंग में निखार नहीं आया।
एक बार आलिया भट्ट और राहुल मिले। आलिया ने राहुल से पूछा, अगर तू ये बता दे कि मेरे इस टोकरी में क्या है तो टोकरी के आधे अंडे तुम्हारे, और ये भी बता दे कि अंडे कितने हैं तो 10 के 10 तुम्हें दे दूंगी, और अगर ये भी बता दो कि अंडे किसके हैं तो अंडे देने वाली मुर्गी भी तुम्हारी। काफी देर से आलिया की बात सुन रहे राहुल सोच में पड़ गए और बोले, अरे यार कोई हिंट तो दे दो।